आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही सिंपल डिज़र्ट की रेसिपी, चाइना ग्रास या अगर अगर का हलवा। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन दबाएं। उसे दबाना ज़रूरी है ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिल सके। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए पानी 1 1/4 कप और इसके अंदर हम डाल देंगे चाइना ग्रास 10 ग्राम। इस तरीके की आती हैं ये। और अगर से आपको ये ना मिले तो आप इसके अंदर चाइना ग्रास का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के पैकेट आते हैं। इसके बाद इसे हम कवर कर देंगे तो बहुत ही जल्दी जो है वो चाइना ग्रास डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। अगर से ना घुले तो जब तक पकाएं जब तक ये घुल ना जाए। ना घुलने का क्वालिटी पे फ़र्क होता है कि चाइना ग्रास किस कंपनी की है और क्या क्वालिटी है उसकी। चाइना ग्रास को हम लो फ्लेम पे पकाएंगे यानी हल्की आग पे। 5-6 मिनट हो गए हैं तो देखेंगे डिसॉल्व हो गई है, दाना नहीं है ज़रा सा भी चाइना ग्रास का। तो इसके बाद डाल देंगे हम इसके अंदर दूध 1 कप। साथ ही डाल देंगे दानेदार चीनी 1/4 कप और सूखा दूध 1/4 कप। वो डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रहे इसमें। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर हम रेड सिरप या कोई भी लाल शरबत, जो भी आप पीते हैं वही यूज़ कर लें इसके अंदर। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर। ये लाल शरबत में डाल लेंगे 1/4 कप। कलर अगर से आप और डार्क पसंद करें तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा। डाल के इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। फिर इस पर हल्के से बबल्स आने लगे, देखिए साइड से बबल्स आने लगे। ये कंप्लीट पक गया है, उसे चूल्हे से उतार लेते हैं और इसके बाद इसे ट्रे में डाल देते हैं और इसके ऊपर डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैं सिर्फ पिस्ते डाल रही हूँ, आप चाहें तो जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल सकती हैं इसमें। और इसके बाद इसे हम रख देंगे 1 घंटे के लिए जमाने के लिए। अब 1 घंटा हो गया है। चाइना ग्रास या अगर अगर का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। इसे हम पीसीज में काट लेंगे। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।